हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पतंजलि के बारे में। पतंजलि एक ऐसा कंपनी है जो हमारा इंडिया में बहुत सारे फैल चुकी है। इसके साथ साथ इसका जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे कंपनी में इसका प्रोडक्ट जो कि बिक चुका है, बिक ये कि सेल हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं पतंजलि में जुड़ के काम करना, यहाँ पे बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला होता है। तो अगर आप चाहते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा आपका एप्लीकेशन, उसके बाद आपको काम मिलेगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको देखना होगा, तो आपको उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पतंजलि के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो कि नया कंपनी इंडियन कंपनी जो कि इसके लिए बहुत सारे जो कि स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, इसका स्टोर, इसका बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसके लिए बहुत सारे जो कि एम्प्लॉई ये लोग हायर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्या करना होगा, पतंजलि के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे आपको ओपन करना होगा। तो इसके लिए मैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो फॉर्म को कुछ नहीं करना, आपको नाम जो कि है यहाँ पे आपका नाम लिखना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट जो कि पहले लिखा हुआ है आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना होगा। उसके बाद आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट जो कि दोबारा है यहाँ पे आपको वो देना होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको यह देना होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे देना होगा। इसलिए आपको अगर आपका जो बायोडाटा या सीवी सिलेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आपके नंबर से। तो इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप वो दे देंगे। उसके बाद आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको, आप चाहते हैं तो आप दे सकते, अगर नहीं चाहते तो नहीं दे सकते। तो उसके बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको देना होगा, आपका ईमेल एड्रेस जो है ईमेल एड्रेस वैलिड हो उसके बाद उस ईमेल एड्रेस को देना, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो लोग आपका कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पाए तो आप उनको ईमेल के थ्रू आपको जो कि यहाँ पे दे इंफॉर्मेशन दे सके। उसके बाद आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं बोला गया है कि 10th या 12th या मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, कोई भी कुछ भी इस बारे में नहीं बोला गया है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अगर आपका क्वालिफिकेशन जो भी हो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बारे में उसके हिसाब से कोई भी अगर पोस्ट या कोई भी काम हो तो आप लोग वहाँ से यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन जो भी हो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपका टोटल एक्सपीरियंस अगर कोई भी है आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हो तो आप दे सकते, अगर नहीं भी है तो आप नहीं दे सकते। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो काम का एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते, क्योंकि अगर काम का एक्सपीरियंस अगर है आप दे सकते तो आपके लिए एक एडवांटेज होगा काम मिलने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे और भी पोस्ट जो कि हायर पोस्ट में है, तो अगर उस पोस्ट के लिए अगर एक्सपीरियंस है तो आपके पास आपका वो जॉब मिल सकता है। अगर नहीं भी है, फ्रेशर है आप, तब भी अप्लाई कर सकते, कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेशर जो लोग हैं उसके लिए भी बहुत सारे जॉब यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जेंडर जो है, आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा, आपका जेंडर क्या है, आपका यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना। उसके बाद आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपको यहाँ पर देना होगा, करंट वर्क लोकेशन, आप करंट अगर कोई भी काम करते हो तो आपको यहाँ पे वो देना होगा, आपका लोकेशन जो भी है आपको देना होगा। उसके साथ साथ आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपको यहाँ पे उसका देना होगा। उसके बाद आपका अपलोड रिज्यूम जो है यहाँ पे आपका रिज्यूम जो है आपको यहाँ पे वो देना होगा, रिज्यूम या बायोडाटा जो भी है आपको यहाँ पे देना। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा आपका जो रिसेंटली जो आपका जो रिज्यूम है या सीवी है, मैं आपको लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप लोग वो ही यहाँ पे दे, क्योंकि यहाँ पे जो कि आपका अपलोड रिज्यूम देने के वहाँ पे एक फ़ायदा होगा कि जो लोग रिसेंटली जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए जॉब पहले मिल जाएगा। उसके साथ
साथ आपको यहाँ पे जो कैप्चा है आपको ये जब सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपका सेंड कर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेंड कर देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट हो जाने के बाद कुछ दिन आपको वेट करना होगा, क्योंकि कुछ दिन वेट करने के बाद आपका अगर एप्लीकेशन मैच कर जाता है कोई भी पोस्ट या काम के लिए क्वालिफिकेशन आपका जो सबमिट एप्लीकेशन है, अगर एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो उसके बाद आपका कोई कुछ दिन के बाद अगर कोई भी एप्लीकेशन मैच हो जाए तो कोई भी पोस्ट के लिए उसके साथ आपका, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि कॉल आएगा या ईमेल के थ्रू आपको बुलाएंगे फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम के डिपेंड से आपको जो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चार्ज होगा, आप भेजी जाएगी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका इंटरव्यू के थ्रू जो कि आपका जॉब मिलेगा। तो अगर इस तरह से आपको पतंजलि के जो कि रिसेंटली जो जो पोस्ट हुआ है आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज के लिंक भी नीचे है, आप लोग वहाँ से जाके भी फॉलो कर सकते हैं मेरा पेज। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग वहाँ से भी कमेंट करके या एसएमएस करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए यही वीडियो है, और दूसरा वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ।